हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करने वाला हूँ पीएनएसटी एग्ज़ाम 2022 की, जो 2023 में हुई थी, उसके 9 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में। 9 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड बायो देखते हैं। जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किस टाइप्स का पेपर आता है, तो पुराने क्वेश्चंस से बहुत हेल्प मिलती है आपको देखने में यहाँ पेपर कितना लेवल आता है। और बायो स्टार्ट है 61 नंबर से, क्वेश्चन नंबर 61 से। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, बोटनी जूलॉजी मिक्स है 60 नंबर के। सारे ही क्वेश्चन, सारे ही जो आपके सब्जेक्ट्स हैं 30-30 नंबर के आते हैं, और बोटनी और जूलॉजी 60 नंबर, इंग्लिश 30, फिजिक्स 30 और केमिस्ट्री 30। 150 नंबर का पेपर आता है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न की कोशिकाओं से अंतराफुली कैम्बियम विकसित होता है, कहाँ विकसित होता है? अंतस्था किरणें, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है टेंडल प्रभाव क्या है? टेंडल नहीं है, ठीक है, ये इज द टेंडल इफेक्ट। द्रव द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना, हमारे कॉर्निया द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना, या ठोस द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना। राइट आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का वह क्षेत्र जहाँ केवल शंकु पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शंकु पाए जाते हैं, शलाका नहीं, ठीक है? सिलियरी काय, अंधबिंदु, ऑप्टिक डिस्क या पित्त बिंदु। तो राइट आंसर नंबर इज डी हो जाएगा, पित्त बिंदु, मतलब येलो स्पॉट जो होता है ना, येलो येलो इस को सेंटर में वो। नेक्स्ट है स्कोन या वंशज शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? राइट आंसर इज दी सेकेंड, ग्राफिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुरूप संरचनाओं को दर्शाता है? चमगादड़ के पंख और कबूतर के पंख, मतलब इन दोनों के जो पंख होते हैं वो सेम होते हैं, अनुरूप संरचनाएँ दर्शाते हैं, अनुरूप सेम। नेक्स्ट है प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? कौन सा प्रोटीन की पहचान के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है? राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, सांद्र, HNO3। नेक्स्ट, दंत क्षय का कारण होता है जीवाणु, विषाणु, ठीक है, न तो एक और न ही दो, केवल सेकंड या दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, या फिर फर्स्ट। तो वायरस, वायरस कोई नहीं होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है, क्या होता है? बैक्टीरिया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ केवल वन आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्रियों में कलम बांधना लगभग असंभव है क्योंकि इनमें नहीं होते, क्या नहीं होते? कैम्बियम रिंग्स नहीं होती है, ऐसे जो रिंग्स होते हैं ना कैम्बियम, जहाँ पे कलम करते हैं वो नहीं होती, इसलिए समथिंग समथिंग ऐसा नहीं कर पाते। एक बीजपत्री मतलब जैसे मक्का हो गया, उनमें ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं, तो बाकी जैसे गुलाब वगैरह इनमें कलम करके लगाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिसिक एसिड। संदमन करना मतलब होता है रोकता है, ठीक है, पादप हार्मोन की जो वृद्धि है उसको रोकता है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, ऐसे जीवधारी जो तापमान की एक संकीर्ण सीमा को सहन करने में सक्षम होते हैं कहलाते हैं, वो उनको क्या कहते हैं? तो पृथुतापी। कोई कोई से ऐसे वर्ड होते हैं जो हिंदी के बजाय आपको इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है, ऑर्योथर्मल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आपको अगर हिंदी के कुछ वर्ड टफ लगे तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। एक इंसान के पास एक आँख से लगभग देखने का क्षैतिज क्षेत्र होता है, क्षैतिज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना आप क्षैतिज मतलब ऐसा, तो ये तो 180 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा इतना की बात कर रहे हैं, 150 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो वानस्पतिक प्रसार है, ये जो भी दिया है आपको किसका पिक्चर है, ये किसका है? तो बुलबिल इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बी और टी लिम्फोसाइट्स, इसके हर पेपर में क्वेश्चन आए, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, क्या है? दो तीन क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं। उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु कोशिका, रक्त कोशिका, हेमटोपोइटिक स्टेम कोशिका या दैहिक कोशिका। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, हेमटोपोइटिक स्टेम सेल्स। नेक्स्ट है, हम लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को कैसे संरक्षित कर सकते हैं?
है ना, कहाँ पे जो लुप्त हो रही है, ख़त्म होने वाली उन प्रजातियों को आप संरक्षित करके रख सकते हो, उनकी कुछ जो भी सामग्री होती है, मतलब ठीक है, हड्डी वड्डी ऐसा कुछ। तो व्यवहार्य की बात कर रहा है जीन बैंक में, जीन बैंक द्वारा। नेक्स्ट है शुद्ध जल का, जल विभव एक पराश्रेणी विभव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य एवं शून्य। नेक्स्ट ऑप्शन है पेरिडर्म का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है, कार्क कैम्बियम में, प्लांट के कार्क कैम्बियम में, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है, गीर वन। ये एक जीके का क्वेश्चन हो गया आपके, इसमें भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास की बात कर रहे हैं, गीर वन गुजरात। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए विपरीत लक्षणों के कितने जोड़े मटर के पौधे का चयन किया है, कितने जोड़े मटर पौधे का चयन किया था उन्होंने, 7 जोड़े, ठीक है। नेक्स्ट है टाइलोसिस पाए जाते हैं, टाइलोसिस कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर, द्वितीयक जाइलम। नेक्स्ट है कौन सा परीक्षण एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का, बोटनी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे बेसिक से, कौन कुछ क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन वो आपको डराने के लिए देते ही देते हैं कि थोड़े टफ हो जाए ताकि दूसरे इजी भी आपसे ना बने, तो अपने को उसको लेके नहीं चलना है। कौन सा परीक्षण एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का उदाहरण है, एलिजा, बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोशिका फूल जाती है जब उसे रखते हैं अल्प पराशरी विलयन में, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, मृदा, प्रकाश, तापमान या जल, राइट आंसर नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, तापमान। नेक्स्ट है विशुद्ध संवेदी तंत्रिका है, विशुद्ध संवेदी तंत्रिका ऑडिटरी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या कारण है, अभी नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना या नेत्र गोलक का लंबा होना, तो क्या हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, या तो एक या दो या केवल दो लेकिन एक नहीं, सिर्फ सेकंड वाला, न तो एक और न दो या दोनों ही नहीं है, या फिर केवल एक और दो नहीं, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो एक या दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रकाश के संरक्षण संचरण में शामिल नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हाँ या नहीं पूछा है, क्या पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोशिका तंत्रिका। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण, अस्थियों की वृद्धि का प्रेरण करने वाले हार्मोन कौन कौन से हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो रोंग है वो बताना है, पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा नामक स्थायी ऊतक के कारण होता है, नहीं, कोलेनकाइमा तो लचीलेपन सॉफ्टनेस के लिए नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, कोलेनकाइमा वो होती है जो रिंग्स में ऐसे जो जगह होती है उसको, वो ये राइट है, इसने पूछा है कि सही नहीं है ऐसा पूछा है। स्क्लेरेनकाइमा वह होता है कि जो पौधों के कठोर है वो मजबूत भाग बनाता है, बिल्कुल सही है, स्क्लेरेनकाइमा जैसे नारियल के ऊपर हो गया जो ठोस पार्ट, या लकड़ी के ऊपर स्क्लेरेनकाइमा से जो कठोर आवरण जो बनता है उसको, जो टिश्यूज रहते हैं उनको बोला जाता है स्क्लेरेनकाइमा, तो ये भी सही है, मजबूत ऊतक ही बनाता है कठोर नारियल के ऊपर या कड़क कवर। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पौधों जैसे कुछ पौधों में एपिडर्मिस की भीतरी सतह पर ही क्यूटीन की मोटी परत होती है, ये रोंगे, ठीक है, मोटी परत नहीं होती है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, इसने नहीं पूछा इसलिए। पौधों के ऊतकों में पेरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है, राइट। नेक्स्ट है स्तनपान के दौरान माँ का दूध किस एंटीबॉडी से भरपूर होता है, मतलब कौन सी एंटीबॉडी से, तो आईजीए क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। नेक्स्ट निम्न में से कौन एक जंतु कोशिका की विशेषता है न कि पादप कोशिका की, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं, कोशिकाएं आकार में बड़ी और आकार में आयताकार होती हैं, गोल्जी पिंड पूर्णतः विकसित होते हैं और केंद्रक के निकट उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका की विशेषता है ये न कि प्लांट की, तो ये प्लांट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, टीएसी चक्र के सभी एंजाइम बस एक को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होते हैं और वह एक सुकेंद्रियों
में भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में तथा प्राकेंद्रियों में साइटोसाल में पाया जाता है। ऐसा अकेला एंजाइम कौन सा है ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास, मेलेट डिहाइड्रोजिनेन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेन, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेन या आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन पश्च मस्तिष्क स्थित द्वारा नियंत्रित होता है। किस पश्च मस्तिष्क में किसके द्वारा ये सारे कंट्रोल किए जाते हैं, मेड्यूला से। आंसर राइट हो जाएगा इसका, मेड्यूला। नेक्स्ट है, पत्तियों की धुरी में उत्पन्न होने वाली मांसल कलियां जो गिरने और जमीन पर गिरने पर नए पौधे बनाने के लिए विकसित होती हैं वो क्या कहलाती हैं। जैसे कैक्टस वगैरह के आपने देखे होंगे या फिर और भी उस टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं उनमें वो सिर्फ वो पत्तियाँ ऐसे रहती है, इनमें यहाँ पे कुछ लगे होते हैं, अगर ये पत्ती गिर के नीचे गिर जाती है या फिर ये यहीं से वो फूल टाइप छोटे छोटे पत्तियाँ ये गिरती हैं, इसी से नया एक प्लांट डेवलप हो जाता है, तो उसको बोला जाता है बुलबिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किंगडम प्लांटी के एक ही डिवीज़न से संबंधित है। एक ही डिवीज़न में कौन कौन से आते हैं जो किंगडम प्लांटी के हैं, रिक्सिया, मार्केशिया और फ्यूनेरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवारों में ग्रंथियाँ होती हैं जो आंतों के रस को स्रावित करती हैं और इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को डैश में परिवर्तित करती है। ये काय में परिवर्तित करी है, इसमें एंजाइम और प्रोटीन रहती है। छोटी आंत की दीवारों में जो खाना पचता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा, छोटी आंत में, तो ग्रंथियाँ जो होती हैं उनमें आंतों के रस स्राव करती है इसलिए खाना पाचन होता है। तो मौजूद जो एंजाइम या होते हैं वो क्या, एमिनो एसिड में, काय में चेंज करते हैं एमिनो एसिड में। नेक्स्ट है, ग्रेव्स रोग हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है, क्या होता है, एल्डोस्टेरोन या एसटीएच या इंसुलिन या थायराइड हार्मोन। आंसर नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेल्यूलोज होता है मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ट्राइसेकेराइड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज का बना होता है, पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ने राजस्थान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हरियाली लाई है। ये एक जीके का क्वेश्चन हो गया है, इंदिरा गांधी नहर, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि राजस्थान में कौन सी नहर है या फिर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, बाकी एमपी में दिए। निम्न में से कौन सा पादप है जो कटिंग विधि से वृद्धि नहीं करता। गुलाब तो बोला ही है कि यहाँ पे कटिंग लगाते हैं या वो कलम करके लगाते हैं, गेंदा, केला, ब्रायोफिल जो नहीं होते वो वृद्धि कटिंग विधि से नहीं, मतलब इनमें जैसे गेंदे का फ्लावर आते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलता है तो आप कटिंग करते हो फिर से चल जाता है ऐसा, तो इनमें कटिंग करने के बाद ये नहीं वृद्धि करता है। डीएनए में क्षति और त्रुटियां का कारण बनती है। डीएनए अनुवादन, आरएनए प्रतिलेखन या उत्परिवर्तन, ठीक है, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लिम्फोसाइटो उपकला कोशिका द्वारा संश्लेषित एक रोगाणुरोधी पेप्टाइड है। आंसर इसका राइट हो जाएगा, डिफेंसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा है इसने, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका वन राइट आंसर हो जाएगा, भित्ति से घिरे अंग जैसे कि माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक आदि साइटोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक बात कर रहा है तो प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है ये पूछ रहा है, तो ठीक है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा कि ये सारे क्या नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते, आनुवंशिक सामग्री कोशिका इसलिए डीएनए, ठीक है, जीवाणु और हरित नल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे निकट है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के नेत्र गोलक का औसत व्यास कितना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसी होती हैं, ठीक है, जो डीएनए की
हाँ, जो दो पॉलीन्यूक्लाइड श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, सब पूछ रहा है, प्रति समांतर। नेक्स्ट है, मानव उत्सर्जन प्रणाली में मूत्र वाहिनी का सीधा संबंध होता है मूत्राशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु कोशिका में झिल्ली के आर पार छेद करता है। राइट आंसर इस डी ऑप्शन हो जाएगा, एनके कोशिका एवं कॉम्प्लीमेंट्री तंत्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों में विलुप्त होने की ओर ले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है। जानवरों का शिकार करना बंद करें, वन रोपण, या प्राकृतिक आवासों का विनाश, या प्रदूषण स्तर पर नियंत्रण। तो जो ये मानवीय गतिविधियां हैं, ठीक है, जो वन्य जीवों को विलुप्त होने के कगार पे ला रही हैं, ठीक है, उनकी ओर ले जा रही है, वो है प्राकृतिक आवासों का विनाश। वन वन काट दोगे तो वो कहाँ रहेंगे। नेक्स्ट है, वनस्पति प्रजनन ब्रायोफिलम में पत्तों द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा, पत्तों द्वारा, पत्तों में वही ब्रायोफिलम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एगेव की पत्ती को कोशिका में एक्स गुणसूत्र होते हैं तो उसके बल्ब की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। आंसर भी होगा आपका एक्स। नेक्स्ट, पारिस्थितिक आलाक की संकल्पना प्रथम बार प्रदत्त की गई किसने, की जोसेफ ग्रीनेल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। ये आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, दो तीन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है तो बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट परागण एक प्रकार का परागण है चमगादड़ द्वारा। राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल कोडेड प्रोटीन जो अधिकांश जानवरों के वायरस के संक्रमण की प्रतिक्रिया में बनता है वो क्या कहलाता है। आंसर नंबर इस ए राइट हो जाएगा, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पादपों में सबसे सामान्य प्रकार के परागण होता है कौन सा होता है, ट्राइपोरेट, मोनोपोरेट, ट्राइकाल्पेट या मोनोकाल्पेट। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ट्राइकाल्पेट। नेक्स्ट है, स्पॉन्जिला इसका एक उदाहरण है, पोरीफेरा का, स्पॉन्जिला पोरीफेरा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, में से कौन से पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे कौन से पोषक पदार्थ हैं जो आपकी बॉडी को क्या कर देते हैं, एनर्जी देते हैं, क्या होता है, लिपिड प्रोटीन, विटामिन प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट और वसा से आपको ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं, उनसे एनर्जी आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमोनिया से के संबंध में सत्य नहीं है, ठीक है, इसे दूर करने से किडनी की अहम भूमिका होती है, यह आसानी से अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं, या अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया अमोनिया उत्सर्ग है, यह आसानी से घुलनशील है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ऐसा पूछा है, तो अमोनिया से उत्सर्जन तंत्र तो सत्य है, आसानी से घुलनशील है, इसे दूर करने से किडनी की अहम भूमिका होती है, ये आपका सत्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग का जोड़ा है, खसरा और रेबीज वायरल रोग है, टिटनेस और सिफिलीज, एड्स, काली खांसी नींद की बीमारी, ये वायरल नहीं है, खसरा या रेबीज वायरल रोग है। नेक्स्ट है, परागण कोश के भीतर नर युग्मकोपित का विकास होता है इन सीटू, एक्स सीटू या इन सीटू, तो इन सीटू। ये हो गए आपके बायो बोटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन, खत्म हुए हैं। अभी अभी 121 से इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट है, और पूछा है इसने रोंगली स्पेल्ट, मतलब इनकरेक्ट स्पेल पूछ सकता है, या रोंगली जो भी लिखे, मतलब इन चारों में से ऑप्शन कौन सा जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, रेमिनेंसी है, यहाँ पे ए की बजाय आई आएगा और एक यहाँ पे ई आएगा, रोंग पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और राइट इसकी ये होगी, रेमिनेंसी, ए की जगह आई और ए की जगह पे ई। नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा है होस्टाइल का, होस्टिलिटी होता है, होस्टिलिटी मतलब शत्रुता, तो शत्रुता का उल्टा पूछा है तो फ्रेंडली हो जाएगा, होस्टाइल, होस्टिलिटी, एंटीपैथी, एनिमोस्टी, इनिमी, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं, वो एंटोनिम फ्रेंडली।
नेक्स्ट सेलेक्ट द एंटोनिम, यहाँ पे भी एंटोनिम पूछा है, अपराइट। अपराइट मतलब होता है ऊपर के लिए, मतलब अच्छा, ईमानदार बोल सकते हो आप उसको, नैतिकता या ईमानदार। तो उसका उल्टा पूछा है, यहाँ पे भी एंटोनिम ही पूछा है, तो अनएथिकल हो जाएगा, एथिकल नहीं होगा, अनएथिकल हो जाएगा, अनैतिकता या ईमानदार जो नहीं है, बेईमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, इसमें आपको वन वर्ड बताना है कि ये जो भी पूरी लाइन लिखी है इसका एक शब्द में उत्तर बताइए। तो अ सिलेंड्रिकल कंटेनर बल्किंग आउट इन द मिडिल ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेव्स फॉर कीपिंग ऑयल बियर एटीसी, इनको रखा जाता है वुडन की बना हुआ कोई, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है बैरल, ऐसा ड्रम जैसा, ड्रम नहीं बोल सकते आप, पीपा बोल सकते हो, है ना, लकड़ी के ढोलक वोलक जैसा कुछ, मतलब उसमें जो ये चीज़ें रखी जाती है उसको क्या बोला जाता है, वुडन का बना होता है, पीपा बोल सकते हैं हिंदी में, बैरल। नेक्स्ट द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेवल सेंटेंस आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर सेंटेंसेस, करंट सेंटेंसेस, ठीक है। आपको ए दिया है, उसके बाद में पी क्यू आर तीन ऑप्शन दिए हैं और इनको सीक्वेंस में जमाना है। ट्रूली फ्री नेशन विल, अब देखो विल यहाँ पे आया है तो उसके बाद में फिर से विल तो नहीं आ सकता, है ना, तो पी वाला ऑप्शन तो यहाँ पे कट हो गया। नेक्स्ट दिया है विल के बाद में या तो कोई भी वर्ब होती है प्लस एडवर्ब प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब प्लस मेन वर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ब चाहिए, जबकि डिस्ट्रक्शन तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन एक नाउन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन एक नाउन हो जाएगा। तो विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी या जो भी चाहिए या एडवर्ब चाहिए, जो भी चाहिए, लेकिन उसके बाद में आपको वो चाहिए, नाउन तो नहीं आएगा, इसलिए दोनों ऑप्शन क्यू वाला है, दोनों ऑप्शन कट हो गए। उसके बाद में आओ चाहे ना आओ, जो भी दिया हो आर में ऑप्शन लगा के आ जाना आँख बंद करके, क्योंकि ये दोनों तो डेफिनेटली रॉन्ग है। विल कॉन्फिडेंटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगी और व्यू वर्ब हो जाएगा और इवेंट्स डिकोरेटेड, अब उसके बाद में क्यों आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन एज अ बैड आइडिया दैट विल फेल इन द मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom, idiom का आपको मीनिंग बताना है। एट टेगर्स डाउन का मतलब होता है बहुत खतरनाक वाला दुश्मन, ठीक है, टेगर्स डाउन मतलब होता है दुश्मन, तो हॉस्टाइल अभी थोड़ी देर पहले वर्ड आया था ऊपर, हॉस्टाइल मतलब वहाँ पे भी दुश्मनी या शत्रुता ही हो रहा था, तो बिटरली मतलब होता है कट्टर दुश्मन, कट्टू दुश्मन, बिटरली हॉस्टाइल। नेक्स्ट ऑप्शन है ही एडमिटेड दैट ओवरऑल क्राइम लेवल्स हैड कम डाउन, द फियर ऑफ क्राइम हैड नॉट, यहाँ पे कंजक्शंस पूछे हैं एंड गेट बट, अब देट आ रहा है तो एंड की ज़रूरत नहीं है, बट की ज़रूरत नहीं है, और ये टोर ओल दो बच्चे हैं, दोनों का मतलब होता है यद्यपि हालांकि, तो ही एडमिटेड दैट, उन्होंने स्वीकार, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि ओवरऑल क्राइम, जितने भी ओवरऑल क्राइम्स हो रहे हैं, हैड कम डाउन मतलब निचले स्तर पर, कम डाउन मतलब उनमें कमी आई है, द फियर ऑफ क्राइम हैड नॉट मतलब लेकिन क्या हो रहा है, अपराध का जो क्राइम है उनका डर नहीं है, फियर नहीं है ऐसा, हालांकि उन्होंने स्वीकार, हालांकि यद्यपि ऑल दो। नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव, पैसिव पूछा है, एक्टिव पैसिव, पैसिव का एक ही फंडा है, आपको सबसे पहले देखना है वर्ब और अगर अदर सेंटेंस है ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ दिया है, प्लीज़ दिया मतलब यू आर ए रिक्वेस्टेड, चारों ऑप्शन में से जहाँ पे भी लिखा हो यू आर रिक्वेस्टेड, बाकी तीन ऑप्शन में कुछ नहीं है, तो आंसर नंबर इज ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। टू कनेक्टर लगता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो एज इट इज़ आपका क्वेश्चन जो भी है वो सेंटेंस एज इट इज़ लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको फ्रेजल वर्ब दी है अंडरलाइन करके, उसका मीनिंग बताना है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स चिप्ड इन एंड बॉट अ सेट ऑफ बुक्स फॉर द न्यूली एडमिटेड चाइल्ड, जो चिप्ड इन का मीनिंग बताना है क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है उनका योगदान है। ऑल द स्टूडेंट्स एंड बॉट अ सेट, सभी स्टूडेंट्स का योगदान है लाने में, खरीदने में, अ सेट ऑफ बुक्स फॉर द न्यूली एडमिटेड, नए जो एडमिट हुए हैं चाइल्ड उनके लिए योगदान है ऐसा। एंटोनिम पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनकरेज
इनकरेज मतलब होता है आशावादी, ठीक है। अब उसका उल्टा हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन, आशा का उल्टा निराशा, तो फ्रस्ट्रेट मीन्स होता है निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसीफाई, एंटोनिम पूछा है पेसीफाई का। अब पेसी पता है ना, पेसीफाई पीस मतलब शांति, तो पेसीफाई मतलब भी होता है शांत करना, शांति रखना, ठीक है। शांत नहीं करना, उसको उकसाना किसी चीज़ के लिए, उसका उल्टा हो जाएगा। एंटोनिम पूछा है प्रोवोक मतलब किसी को उकसाना, उत्तेजित। नेक्स्ट है इनकरेक्टली, दोनों ही इनकरेक्ट, एक ऊपर आई थी फर्स्ट एंड ये इनकरेक्टली, इस पहले इनकरेक्ट है। कॉन्शियंस इसमें यहाँ पे आई के प्लस पे सॉरी ई के प्लस पे आई और ई आई के प्लस पे ई आएगा, सी ओ एन एस सी आई ई एन सी ई। कॉन्शियस मीन्स होता है अंतरात्मा की आवाज, कॉन्शियस माइंड होता है ना। करेक्टली स्पेल है दो इनकरेक्ट और एक इनकरेक्ट, दो इनकरेक्ट और एक करेक्ट स्पेल पूछिए, बाकी तीनों में मिस्टेक है। परसिवर्सेंस में ये राइट है। नेक्स्ट है मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड पूछा है, वन वर्ड क्या होगा। अ पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू प्लेस, जो ओरिजिनल प्लेस होता है जहाँ पे पर्सन एनिमल प्लांट बिलोंग करते हैं, जैसे आप की बिलोंग करते हो वहाँ की आपकी जो लैंग्वेज क्या है इसे बोलते हैं ना, तो नेटिव मतलब होता है देशी, देशी भाषा क्या है नेटिव लैंग्वेज, तो ये जो पर ओरिजिनली है वो उसको क्या बोला जाता है नेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक, द यंग वोमेन ब्रोक ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स दैट ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन मीन्स होता है खराब होना, स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल, दो करेक्टली स्पेल एंड दो इनकरेक्टली, करेक्टली पूछा है ग्लिसरीन, यहाँ पे ग्लिसरीन करेक्ट है, बाकी तीन में मिस्टेक है। नेक्स्ट है अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इज गिवन बिलो, इसका आपको मीनिंग बताना है। आई आस्क्ड अराउंड बट नो बडी टोल्ड मी माई पार्टनर्स एड्रेस, अगर आपको अंडरलाइन वर्ड का देखते ही सही आंसर पता है तो आगे क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आस्क, आस्क मतलब पूछना होता है, अराउंड आस्क अराउंड, आस्क मैनी पीपल फॉर इंफॉर्मेशन इसका मीनिंग होता है, आस्क मैनी पीपल फॉर इंफॉर्मेशन, उसने पूछा बहुत सारे पीपल से इंफॉर्मेशन के लिए, अराउंड मतलब आसपास। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक, ओवर द पास्ट कैडेट डिकेट सॉरी यूनिक्यूलिटीज इनइक्विलिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज डैश इंक्रीज्ड बींग वॉज या हैज़, अपॉर्चुनिटीज़ है मतलब हैज़ या वॉज नहीं आएगा, और बींग किसी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, जो यहाँ पे नहीं दिए तो आंसर हो जाएगा हैव, आई हैव होता है ना, आई हैव मतलब आई प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, आई हैव मेरे पास है, इसी टाइप से अपॉर्चुनिटीज़ प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आ जाएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म इंक्रीज, जैसे भी इसके साथ में थर्ड फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, ठीक है प्रख्यात नहीं, कुख्यात मतलब डाकू, जो बुरे कामों में फेमस होता है नोटोरियस, इसका सेम पूछा है मतलब नियरेस्ट मीनिंग मतलब हो जाएगा सिनोनिम पूछा है, तो इन फेमस कुक ये होता है नोटोरियस मतलब कुख्यात है ना, प्रख्यात नहीं है, तो फेमस क्या होता है प्रख्यात होता है, तो फेमस का उल्टा हो जाएगा इन फेमस, तो इसका भी मीनिंग पूछा है, नोटोरियस का सिनोनिम है इन फेमस, फेमस नहीं है इन फेमस, उल्टा होता तो फेमस हो जाता है। अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है एब्स्ट्रस, एब्स्ट्रस मीन्स होता है दुर्लभ दुर्गम अव्यक्त, जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, दुर्गम या दुर्बोध, ठीक है इसका उल्टा पूछा है तो आंसर हो जाएगा ल्यूसिड मतलब स्पष्टवादी, स्पष्ट अर्थ। नेक्स्ट है अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, द क्राउड ब्रोक अप आफ्टर द स्पीच वॉज ओवर, ब्रोकअप का मीनिंग होता है स्केटर्ड या डिस्पेयर्ड, डिस्पेयर्ड फैलना, स्केटर्ड मीन्स हो जाएगा बिखरा हुआ, तो ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकअप ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ब्रेक की, ब्रोक ब्रेकअप मतलब बिखरना टूटना अलग होना, ब्रेकअप एंड रिलेशनशिप ऐसा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम इलेक्ट्रिटी, इसका मीन्स होता है एक्टिव, एक्टिव होता है ना इलेक्ट्रिटी, एक्टिव या फुर्तीला जिसे बोल सकते त्वरित एकदम से, तो इसका एंटोनिम पूछा है तो इनडिफरेंस हो जाएगा, इनडिफरेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इज गिवन बिलो। यहाँ पे भी जो अंडरलाइन करके फ्रेजल वर्ब दी है इसका मीनिंग बताना है। द होस्ट आस्क्ड मारिया टू गो ओवर द गेस्ट लिस्ट फॉर द हाउस वार्मिंग सेरेमनी। गो ओवर मतलब होता है टू रिव्यू, किसी बात को दोहराना या फिर किसी की निंदा करना, आलोचना करना। नेक्स्ट इनकरेक्टली है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी में एस सी नहीं आएगा, एस आएगा, एडवर्सिटी सी नहीं आएगा, सी के प्लस में एस आ जाएगा। ब्रोक इनटू पूछा है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इज गिवन बिलो। ठीक है, अगर आपको पता है तो ऑप्शन देख के ही लगा लो, बाकी क्वेश्चन पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। मिस सेन अपार्टमेंट हैज़ बीन ब्रोकन इनटू थ्री टाइम्स इवन दो ही हैड गोड लुक्स ऑन द डोर। देखो ब्रोक की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हैज़ बीन के साथ में थर्ड फॉर्म, इसलिए बाकी होता है ब्रेक, ब्रोक इनटू या ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स होता है इंटर समवन हाउस बाय फोर्स, किसी के घर में घुसना, जबरदस्ती घुसना या चोरों की तरह घुसना, तो इंटर्ड फोर्सिबली, इंटर्ड फोर्सिबली। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ पे भी एंटोनिम पूछा है होस्टाइल का, ये क्वेश्चन ऊपर आ गया है, वापस से रिपीट हुआ है, पिछले 8 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है होस्टाइल का। एंटोनिम फ्रेंडली अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर। नेक्स्ट PQRS, ठीक है, इसमें भी आपको लेबल सेंटेंस सीक्वेंस में जमाना है। आई एम नॉट डिमांडिंग, आई एम नॉट डिमांडिंग, क्या नहीं डिमांडिंग करना है आपको। अ सेट ऑफ एथिकल हूज पॉलिटिकल या अ सेंसस ऑफ डिमांडिंग के बाद में कुछ ना कुछ नाउन की बात कर रहा है तो पॉलिटिकल तो आएगा नहीं, अ सेट या अ सेंसस ऑफ एट्रोसिटी बट, लेकिन अ सेट मुझे ये नहीं बट ये की डिमांड है। ठीक है, तो आर वाले दो ऑप्शन दिए, मतलब पी नहीं आएगा, आर वाले दो ऑप्शन दिए। उसके बाद में क्यों दिया है यहाँ पे, तो क्यों इसके बाद नहीं, लेकिन ये नहीं लेकिन ये बोल रहा है, अ सेंसस ऑफ एट्रोसिटी बट अ सेट ऑफ एथिकल स्क्रिप्ट हुज पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज वुड बी प्लेड आउट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव पूछा है। टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर्स। टेक मतलब होता है लेना, तुम्हें ले लेना चाहिए, तुम्हारे सूटकेस अपराइट ऊपर ले लेना चाहिए, चाहिए के लिए होता है शुड बी। ठीक है, तो या फिर ऑर्डर देने में भी यूज़ किया जाता है, दिस सूटकेस शुड बी टेकन अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव फॉर्म बतानी है, पैसिव दिया है तो एक्टिव बतानी। वर बीइंग मूव्ड, वर प्लस बीइंग आया होगा, जब वर में आईएनजी होगा तो वाज वर प्लस आईएनजी आपको पास्ट कंटिन्यूअस ऑप्शन में ढूंढना है। पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, हैज़ बीन दिया है, नहीं होगा, यह पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, द इंजर्ड का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाता है जब आप एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाते हो, तो यहाँ पे अपने को एक्टिव बताना है तो द पुलिस आगे आएगा, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, चाहे यहाँ पे वॉज रिमूविंग दिया हो, आंसर नंबर थ्री तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द एंटोनिम, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, कोई भी बताता है। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी और इसका एंटोनिम पूछा है, तो क्लोज हो जाएगा पास में, क्लोज। ठीक है, ये हो गए आज के क्वेश्चन 150। ओके, थैंक यू वेरी मच।